कैसा लगता है धनंजय धड़कन जी अभी ये स्टार बन चुके हैं, मतलब इतना नाम हो चुका है, आपको कैसा लगता है? धनंजय धड़कन जी का पूरा बिहार भारत में मतलब नाम हो चुका है, तो आपको कैसा लगता है? पावर स्टार पवन सिंह का जो है कि हर हर गंगे मूवी है उनका, तो वो भी रिलीज हो रहा है बहुत ही आराम में। 20 अक्टूबर को खेसारी लाल यादव जी का मूवी आने वाला है संघर्ष 2, तो क्या उस मूवी को आप देखने जाइएगा? धनंजय धड़कन जी का प्रोग्राम है कि नहीं दशहरा में कहीं? प्रोग्राम है नेपाल मैया। तो दोस्तों ये धनंजय धड़कन जी के बाबा जी हैं और ये बोल रहे हैं कि आज शादी को क्या करवा भाई लोग बताओ ना, अभी शादी की उम्र लगा था भाई। और धनंजय धड़कन जी के घर पे अभी भी काम चलिए रहा है, जो है कि यहाँ पे लेबर लोग काम कर रहे हैं और टाइल्स लगाया जा रहा है पूरे इनके घर में। धनंजय धड़कन जी कहाँ पे है? जो है कि हम घर पे आपके गए हुए थे तो वहाँ से मुझे मालूम चला है कि धनंजय धड़कन जी एक स्टूडियो में गए हुए हैं गाना गाने, क्या सही बात? धनंजय धड़कन जी का ही गाना देख रहे हैं टीवी में, आप देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे धनंजय धड़कन जी का गाना चलाकर और इनके पापा जी देख रहे हैं। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और दोस्तों हम भी मस्त हैं। दोस्तों हम साल भर पहले इस चैनल पे धनंजय धड़कन जी के घर का वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए थे और आप सभी उस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार बरसाए उस वीडियो पे। दोस्तों साल भर बाद हम फिर धनंजय धड़कन जी के घर पे आ चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये धनंजय धड़कन जी का घर है दोस्तों और धनंजय धड़कन जी का कार भी जो किया का है वो भी लगा हुआ है दरवाजे पे, आप देख सकते हैं। इसके मतलब धनंजय धड़कन जी भी मतलब घर ही पे है, जो है कि और उनका बाइक भी यहाँ पे लगा हुआ है जो अपाची है, आप देख सकते हैं दोस्तों तो चलिए हम उनके घर के पास में चलते हैं और दिखाते हैं बढ़िया तरीके से उनका घर और धनंजय धड़कन जी से भी कुछ बातचीत करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और जो है कि खेसारी लाल यादव जी का मूवी संघर्ष 2 20 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, उस मूवी के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और दोस्तों धनंजय धड़कन से ये भी बातचीत करने वाले हैं जो है कि दुर्गा पूजा में धनंजय धड़कन जी का कहाँ कहाँ प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ नहीं, सारा चीज़ का जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेन रोड हो गई, ये रोड चली जाती है इस साइड मोतिहारी और इस साइड चली जाती है ढाका, आप देख सकते हैं। और हम आपको बैक कैमरा से यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों धनंजय धड़कन जी के घर के पास में चलते हैं, आप देख सकते हैं ये धनंजय धड़कन जी के अपाची लगा हुआ है, जो है कि ये स्टार बने तो सबसे पहले यहीं अपाची खरीदे और इसी अपाची से आते जाते थे कहीं प्रोग्राम करने भी या रिकॉर्डिंग करने अपने गाने का। और दोस्तों जैसे ही पूरा स्टार हो गए, उनका नाम उम चलने लगा, वैसे जैसे पैसा हुआ वैसे वैसे देख सकते हैं आए किया का कार भी ले लिए 25 लाख का दोस्तों। और दोस्तों ये घर एक अच्छा सा बनवा लिए हैं धनंजय धड़कन जी। और दोस्तों चलिए देखते हैं धनंजय धड़कन जी अंदर है कि नहीं है घर पे, तो आप बने रहिए वीडियो में, ऐसे ही देख सकते हैं धनंजय धड़कन जी के घर के अंदर में एक टीवी चल रही है जो है कि उसमें धनंजय धड़कन जी के गाना ही मतलब चलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं है कि नहीं, उसके बाद वीडियो अंदर का बनाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों धनंजय धड़कन जी के पापा जी वहाँ पलंग पर बैठे हुए हैं और बैठ के धनंजय धड़कन जी का ही गाना देख रहे हैं टीवी में, आप देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे धनंजय धड़कन जी का गाना चलाकर और इनके पापा जी देख रहे हैं। दोस्तों
दोस्तों, और अभी हम धनंजय धरकन जी के पापा जी से बात किए हैं, तो उनके पापा जी बोले हैं कि धनंजय धरकन जी घड़े पे हैं, जो है कि बगल वाले चौक पे गए हुए हैं। धनंजय धरकन जी एक स्टूडियो है, उसी स्टूडियो में, और जो है कि आप देख सकते हैं, और धनंजय धरकन जी के घर पे अभी भी काम चलिए रहा है, जो है कि यहाँ पे लेबर लोग काम कर रहे हैं और टाइल्स लगाया जा रहा है पूरे इनके घर में। ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है इनके घर पर, और देख सकते हैं इनका कार यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। आप धनंजय धरकन के क्या लगिएगा? बाबा जी। बाबा लगिएगा? अच्छा, अभी घर पे नहीं है धनंजय धरकन जी? उधर गया है, चौक पे गए हुए हैं। अच्छा, यहाँ से धनंजय धरकन जी कब आए हैं दिल्ली से? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गया। अच्छा, और फिर दिल्ली कब जाने वाले हैं? देखिए ना, कब बहरेगा वो तो कोई, मतलब ज़्यादा अंजाद है, 10-12 बाद है ना, अब देखिए ना। अच्छा अच्छा, और सब बताइए, धनंजय धरकन जी दिल्ली में घर भी बनाए हैं क्या? ना। अच्छा, बनाने वाले हैं? अब उखरे मन बनाए कि क्या करें। अच्छा, नहीं गाड़ी उड़ी लिए हैं तो मतलब सुनने में आ रहा था कि ये वहाँ पे बनाने जा रहे हैं घर, सही बात है? बस के बात में बा। अच्छा, लेकिन बनाएंगे जरूर नहीं? अब उस समझेज बनाए कि ना बनाए कि, या लीज पर लेंगे क्या? ज़्यादा अंजाद क्या है, लीज पर लेंगे या जमीन लेकर घर बनवाएंगे? अब तो वह समझे गए महाराज। अच्छा, थोड़ा ना थोड़ा तो बातचीत तो होता होगा इस सब चीज़ के बारे में, चर्चा तो करते ही होंगे आप लोग? नहीं। अच्छा, कैसा लगता है धनंजय धरकन जी अभी ये स्टार बन चुके हैं, मतलब इतना नाम हो चुका है, आपको कैसा लगता है? धनंजय धरकन जी का पूरा बिहार भारत में मतलब नाम हो चुका है, तो आपको कैसा लगता है? ठीक है बा, ठीक है, कोई के लड़के कमाए, ऑफिसर हो जाए, नौकरी लग जाए, ठीक है ना। अच्छा, आपके बेटा कितने हैं? 5 हो। अच्छा, 5। अच्छा, तो धनंजय धरकन जी के पापा कै नंबर हैं? जेठ हैं। सबसे जेठ हैं? अच्छा, तो गांव समाज के लोग क्या कहते हैं उनके बारे में? अगर गांव में आप निकलते हैं तो लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ तो आता होगा कि आपका पोता बहुत नाम कर रहा है, ये वो बोलता होगा, लोग पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता होगा गांव समाज में क्या? पहले जाते हुएगा तो उतना नहीं, लेकिन अभी तो पूरा मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता होगा क्या, सही बात है ना? हर जगह से फ़ोन भी आता होगा। अच्छा, धनंजय धरकन जी का शादी कब कर रहे हैं आप लोग? कोई ठीक नहीं है अभी, कोई ठीक नहीं है। तो कितने दिन बाद शादी होगा उनका? मन करी तो हम कर, शादी करने वाले तो वहीं गए हैं। हाँ, तो उखरे मन के बात में बात। अच्छा, धनंजय धरकन जी कितने भाई हैं? 2 भाई। अच्छा, आप बहन भी हैं? 1 हो। 1 बहन, तो बहन सबसे बड़ी है या छोटी? बड़ी। सबसे बड़ी बहन का शादी हो गया है? अच्छा, धनंजय धरकन जी का अभी शादी नहीं हुआ है? अच्छा, तो मतलब ज़्यादा अंजाद है कि 25-26 में कर देना है शादी? नहीं, अब उखरे मन करी कि क्या करी, अब हम ही बात। तो दोस्तों, ये धनंजय धरकन जी के बाबा जी हैं, और ये बोल रहे हैं कि जो है कि धनंजय धरकन जी यहाँ से बगल में ही एक चौक है, उसी चौक पे गए हुए हैं, जो है कि वहाँ पे एक स्टूडियो भी है, उसी स्टूडियो में शायद रिकॉर्डिंग करने गए हैं। तो चलिए वहीं पे चलते हैं और वहीं पे उनसे कुछ बातचीत करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो फाइनली दोस्तों, हमारे साथ धनंजय धरकन जी के छोटे वाले भाई संजय धरकन जी है, चलते हैं दोस्तों। और सबसे पहले इनसे हम जो है कि दशहरा नजदीक आ गया है, करीब आ चुका है, तो चलिए देवी गाना सुनते हैं। आपसे निवेदन है कि दर्शकों को पहले देवी गाना से स्वागत कीजिए, क्योंकि दशहरा करीब आ चुका है। मेरे भैया का बहुत ही अच्छा गाना आया हुआ है कि मैया वया वया वो मैया वया वो, धनंजय धरकन एंटरटेनमेंट रिलीज है, आप सब आइए सुनिए। थोड़ा मुकरा सुना दीजिए पूरा, इतना से मजा नहीं है। गाना तो हम भी सुने हुए बहुत, भैया मेरे को भी वही पूरा गाना याद नहीं है, पंच लाइन याद है कि मैया वोया वोया वो मैया वोया वोया वो। एक और गाना सुनाइए जो मुखरा कुछ 1-2 मिनट का हो, उस टाइप का गाना सुनाइए, कोई भी गाना।
भैया याद नहीं अभी फिलहाल। अच्छा एक झिझिया का भी गाना आया है धनंजय धड़कन जी का, 2-3 दिन पहले। उसका तो मुझे एक लाइन भी नहीं याद है। अब क्या गाना चाहिए महाराज? ये धड़कन जी कहाँ पे है? जो है कि हम घर पे आपके गए हुए थे, तो वहाँ से मुझे मालूम चला है कि धनंजय धड़कन जी एक स्टूडियो में गए हुए हैं गाना गाने, क्या सही बात है? स्टूडियो में। अच्छा स्टूडियो में गाना गा रहे हैं? नहीं। अच्छा स्टूडियो यहाँ से कितना दूर होगा? दुनिया के किसी भी स्टूडियो में धनंजय धड़कन के लिए खुला दरवाजा रहता है। अच्छा। चाहे यहाँ हो, चाहे ढाका हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुबई हो। अच्छा आपसे ये हम जानना चाहेंगे जो है कि दशहरा करीब आ चुका है, और धनंजय धड़कन जी का प्रोग्राम है कि नहीं दशहरा में कहीं? प्रोग्राम है नेपाल में है, सतमी को, गढ़ूरा जिला में, गढ़ूड़ में पड़ता है, रौदौड़ जिला में गढ़ूड़ जगह है, वहीं पे पड़ता है। अच्छा तो वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। अच्छा इधर आसपास में कहीं है कि नहीं? मोतिहारी जिला? मोतिहारी जिला साइड नहीं है। अच्छा जो है कि ये दशहरा में 20 अक्टूबर को खेसारी लाल यादव जी का मूवी आने वाला है संघर्ष 2, तो क्या उस मूवी को आप देखने जाइएगा? जाएंगे भाई, काहे नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा मूवी रहेगा तो जरूर ही ज्यादा चलेगा, और अच्छा मूवी है, मैं देखा उसका ट्रेलर, अच्छा मूवी है, जाएंगे देखने जाएंगे। तो उस दिन 2-2 स्टार का मूवी रिलीज हो रहा है जो है कि पावर स्टार पवन सिंह का जो है कि हरर गंगे मूवी है उनका, तो वो भी रिलीज हो रहा है। बहुत ही बड़े लेवल का मूवी बनाई गई है जो है कि बनारस से रिलेटेड उस मूवी है, गंगा जी से भी रिलेटेड, और जो है कि खेसारी लाल यादव जी का भी मूवी संघर्ष 2 रिलीज हो रही है। सबसे पहले कौन सा मूवी देखना आप पसंद कीजिएगा? एक ही दिन एक ही समय पर रिलीज हो रही है। आप तो खुद अपने मुंह से बड़ाई कर दिए भैया, उसमें हम क्या बोले? नहीं, दोनों मूवी अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि कौन सा मूवी सबसे पहले देखने आप आ जाइएगा हॉल में? देखिए वो लोग भोजपुरी के बादशाह आदमी है, और ये भी लोग जानती है कि वो दोनों आदमी के लाइफ का हमको लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो पैन इंडिया से रिलीज हो रहा है, और हर हर गंगे भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैं दोनों को कहूँगा आप लोग देखिए, दोनों अच्छी मूवी है, एकदम मस्त। अच्छा एक और बात है जो है कि सब मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज धनंजय धड़कन जी के रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, उसी पे व्यूज आया हुआ है, तो बहुत सारे दर्शकों कमेंट करते हैं कि धनंजय धड़कन जी की शादी कब होगा, ये सवाल आप जाके उनसे पूछिए, तो आप बता सकते हैं? शादी को क्या करो भाई लोग, बताओ ना, अभी शादी की उम्र लगा था भाई, पहले जीवन में कुछ कर रहा लोग तो शादी कर जाए, शादी कला से क्या हो जाए, शादी होगा समय पर होगा, ऐसा बात हो रही है कि नहीं होगा, समय पर होगा। अभी हम लोग एल्बम में जिस तरह प्यार आशीर्वाद दी उस तरह फिल्म में दीजिए ना महाराज। अच्छा धनंजय धड़कन जी का फिल्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने दिन का और वेट करना पड़ेगा दर्शक? हम उतना टाइम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना बता दूंगा कि फिल्म बनकर रेडी है भाई, बहुत जल्द आएगा। अच्छा अच्छा दिन देख के मतलब और रिलीज कर दिया जाएगा। तो जाते जाते दर्शकों को एक गाना सुना दीजिए प्लीज, एक गाना तो बनता है, और दशहरा करीब आ चुका है। नहीं नहीं ये गाना सुनाना पड़ेगा आपको। का गाना सुना? भोजपुरी सुना देते हैं। हाँ ठीक है सुनाइए भोजपुरी। कि हमर चुड़िया बाली लाली हो, रोज पूछे कान बाली हो, हयो रनिया के हुके इंतजार लाबा, सखी रे दिला दिला दार लाबा। ये गाना मेरा बहुत चला है, आप सब जरूर सुने होंगे। लवी भाई लोग, भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी जय बिहार।